नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिजर्व प्राइवेसी कस्टमर इन इंटरनेट कैफे। जैसे कि सर, हमारा एक ये मिनी बैंक होता है जिसे हम साइबर कैफे के नाम से कहते हैं। बैंकों में इतने कस्टमर आते हैं, उनके कोई किसी को कुछ नहीं बताता आपस में। इसी तरह ही हमारे साइबर कैफे में भी ऐसे प्राइवेसी का सिस्टम होता है, जैसे कि हम खुद पूछते हैं। कुछ बंदा इतना प्राइवेसी होता है, अलग सेपरेट सिस्टम मांगता है, क्योंकि उसका खुद का पर्सनल काम होता है, बैंकिंग रिलेटिंग या ऑनलाइन पेमेंट करनी, एबीसी कुछ भी, मतलब पैसे के रिलेटेड काम होता है। जैसे कि बैंकिंग में हर ग्राहक को अपना किसी के बारे में कुछ नहीं बताना, वो अपना काम करवाता है, चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास साइबर कैफे में पर्सन बाय पर्सन आता है, बैठता है इंटरनेट साइबर कैफे पे, उसे हमें प्राइवेसी देनी चाहिए। जैसे कि ये आम तरीके से देखो, ये कैबिन बने हुए 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे हम फुल सिक्योर और फुल प्राइवेसी कस्टमर को दे सके। देखो, ये काउंटर पे एक मेन काउंटर बना हुआ है और एक पीछे का ये प्राइवेसी के लिए देना चाहिए कस्टमर को, क्योंकि हर टाइम भी कोई ऐसा नहीं होता कि बैठा रहता है कुछ। अगर ज्यादा ही वो है तो अपनी जगह भी हम दे सकते हैं कस्टमर को। हम खुद मालिक हैं, इसीलिए हम अपने ऊपर तो वो कर सकते हैं, ब्लेम भी हमारे ऊपर आता है अगर किसी का भी कुछ लॉस्ट होता है, कुछ भी है। जैसे कस्टमर आया, इसने अपना वर्क किया, गूगल क्रोम कुछ भी ऐप्स में अपना वर्क किया, जैसे ये इस कस्टमर ने ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है ये, और इसका पासवर्ड सेव हो गया है, सबसे ऊपर तो ऊपर नेवर कर देना चाहिए, जो ऑप्शन होती है सेव और नेवर कर देना चाहिए। क्योंकि सर, इसमें देखो, इस बंदे ने काम किया, इसने बैंक की डिटेल इसकी सेव हो जाती है हिस्ट्री में, जो इसने कार्ड अपना यूज किया ना सर, इसकी बैंक की हिस्ट्री पहले तो ये उठेगा सर, इसकी सारी हिस्ट्री रिमूव कर देनी चाहिए। बाय द वे, इसका लॉगिन ऑन रह जाता है, उसे सर हमने सबसे पहले इसका ऑफ करना है, लॉग आउट करनी है प्रॉपर आईडी सर। जब तक ये नहीं होगा, उससे पहले कोई कस्टमर को इस कैबिन पे एंटर नहीं होने देना। और सर एक बात और भी है, हाँ सर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक की आईडी खुली हुई है तो दूसरा बंदा वहां बैठ जाता है, क्या उसका भी हम उसको भी डिलीट करते हैं या उसको खत्म करते हैं सर? उसकी मैंने कई बार ऐसे देखा है इंटरनेट कैफे में कि एक व्यक्ति छोड़ के चला गया फेसबुक, दूसरा उसके ऊपर काम कर रहा है। सर उसे देखो, हमें सबसे पहले तो जहां से कस्टमर खड़ा हुआ है, सबसे पहले स्टेप है उसकी आईडी, हमने ब्राउजर खोलना और देखना इसने वर्क क्या किया, क्योंकि हमें भी सर सिक्योर होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ये सर हमारा एक एड्रेस पर हमारे नंबर है, एक मशीन पे काम कर रहा है, ये हमारी मशीन के ऊपर ऐसा काम, हमारा प्रॉपर एक एड्रेस यूज हो रहा है। अगर ये कुछ गलत करता है तो ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हमें मशीन, कस्टमर हमारे पास आता तो हम उसका आईडी प्रूफ प्लस एक फोटो क्लिक करके अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, और उसकी टाइमिंग बिल्कुल, और दूसरा स्टेप ये उठाते हो आप। दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप सर ये होता है कि आप मतलब कि जितना भी उसकी हिस्ट्री है वो एक बार चेक करते हैं, सारी प्रॉपर हम चेक करते हैं। अगर आप देखते हो कि कोई आईडी खुली हुई है, कोई आईडी खुली हुई है, तो उसको लॉग आउट कर दो, लॉग आउट कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक, मैंने उसके आप हेल्प भी कर रही हो, हेल्प भी कर रहे हैं सर, ठीक है। अपना भी सिक्योर, कुछ कुछ इंटरनेट कैफे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो मतलब कि जो मालिक होता है उसको ध्यान में नहीं होता, वो सिर्फ आईडी प्रूफ लेता है, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाता है। ये सर उनका बहुत गलत, हाँ, क्योंकि कई तो क्या होता है कि एक कस्टमर ने फेसबुक पे अपने दोस्त से बात की, चैट की है, दूसरा दोस्त उसी की आईडी के ऊपर चैट कर रहा है। हाँ, तो ओके सर, थैंक यू।